अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, और हस्बैंड भी। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मेरी मम्मी के घर पर। हम लोग आ रहे थे क्योंकि मुझे कुछ काम था यहाँ पे, किसी से मिलना था, पर वो लोग अभी है नहीं, वो लोग कहीं गए हुए हैं घूमने। तो इस वजह से मुझे नहीं मालूम था कि एक्चुअली आज मुझे वो लोग नहीं मिलेंगे, आज जाने वाले थे इसीलिए मैं आ गई थी। तो हम उन लोग नहीं मिले तो ये लोग का प्लान है, ये लोग का एक्चुअली प्लान था संडे जाने का, लायन किंग जाने का प्लान था, पर हसनैन आज आ गया इसलिए वो लोग सोचे कि हसनैन को भी फिर लेके चलते, मतलब हम लोग आ गए तो फिर हम लोग को भी चलते फिर आज लेके। इसलिए अभी हम लोग सोच रहे हैं कि जाएंगे लायन किंग देखने के लिए। अभी श्योर नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखे बारिश के जैसा मौसम हो गया है, 4 बज रहा है और मैं 2:30 बजे के करीब यहाँ पर पहुँच चुकी थी और अभी हसनैन सो रहा है। तो पता श्योर नहीं हूँ मैं कि हम लोग जाएंगे, अगर गए तो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, नहीं गए तो भी बताऊंगी कि हम लोग गए या नहीं गए। तो पता नहीं, अल्लाह करे बारिश नहीं हो तो जाने मिल सकता है, चांसेस है। और बाद में मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग बताती हूँ कि मैंने कौन क्या क्या लिया है और लोकल ट्रेन से क्या शॉपिंग की है। तो ठीक है, मिलते थोड़ी देर से। और कभी मॉल जाना हुआ तो वहाँ पर भी शॉपिंग होगी, मुझे शॉपिंग करना वैसे भी बहुत पसंद है और होती ही है मेरी शॉपिंग, ठीक, मतलब हसबैंड के लिए कुछ ना कुछ लेना होता ही है। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर से, अल्लाह हाफिज़। तो अभी अभी हम लोग रघुलीला के बाहर ही खड़े हुए हैं, मतलब रघुलीला मॉल के बाहर। अभी कुछ 10 बज रहा होगा, 10 या 10:30 हो रहे होंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ी सी बिग बाज़ार में शॉपिंग कर लिए थे इसलिए बहुत टाइम हो गया था। मूवी तो ख़त्म हो गई थी, 8 बजे तक ही ख़त्म हो गई थी। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एकदम ज़्यादा बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तब तो मज़ा आ रहा है ना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत हवा चल रही है यहाँ पर, इसके लिए हवा की आवाज़ भी आ रही रहेगी तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं क्योंकि ओला एक भी अवेलेबल नहीं है,
कोई भी ओला नहीं दिख रही है, तो वेट करके ओला आ जाए, क्योंकि हमारे पास सामान भी बहुत हो गया है इसलिए। तो आई होप कि जल्दी मिल जाओ। मैं और हवा तो बहुत अच्छी चल रही है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है, हवा चल रही है तो हसन को भी बहुत मज़ा आ रहा है। हसन मज़ा आ रहा है ना? करीब कुछ हम लोग घर पे पहुँचे हैं रात के, क्योंकि इतना लेट इसलिए हो गया था, 10:30 बजे हम लोग जो थे मॉल में ही थे। आप लोगों को पता है कि 10:30 बजे तक हम लोग मॉल में ही थे, क्योंकि और हम लोग को ओला नहीं मिल रही थी, इतना टाइम हो गया था ओला ही नहीं मिल रही थी। मतलब लोग को लोकेशन ही समझ में नहीं आ रहा था, क्या ये प्रॉब्लम होता है समझ में नहीं आता है। और इतना दूर था कि हम लोग ऑटो से नहीं आ पाते थे इसलिए। तो ओला फिर मैंने जैसे ही वीडियो एंड किया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ओला अब तक नहीं मिली है, पर जैसे ही वीडियो एंड किया उसके 5 मिनट के बाद मुझे ओला मिल गई थी। अब वहाँ से हम लोग पहुँच तो गए थे 11 बजे थे, पर हम लोग डिनर करने चले गए थे, तो बहुत मज़ा आया डिनर। मतलब वहाँ का खाना बहुत अच्छा था, नज़दीक में ही है, हाईवे पे है वो होटल, स्टार प्लैनेट करके, बहुत अच्छा है। तो बहुत मज़ा आई वहाँ पर हम लोग को, खाना भी बहुत अच्छा था। उसके बाद अभी हम लोग पहुँचे तो मैंने सोचा कि आप लोगों को शॉपिंग बता दूँ फिर। तो मैं आज पूरा दिन जो था मेरा शॉपिंग में ही गया है, ऐसा लग रहा था शॉपिंग डे था मेरा आज, ऐसा मुझे लग रहा था। तो लोकल ट्रेन में जैसे कि पता है, मुंबई में जो रहता है उन्हें पता है कि लोकल ट्रेन में बहुत सारी चीज़ें आती है बेचने के लिए, तो उसमें से मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, छोटी सी किटी वाली पाउच है ये, जिप है इसकी, मतलब ऐसे ओपन होती है, तो बहुत अच्छी लगी थी। कुछ भी हम लोग छोटा मोटा इसमें कुछ भी लग सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या रखो। मैं कॉइन या मेरे छोटे इयर रिंग्स रहते हैं जो मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, मैं इसमें रख सकती हूँ, तो कॉइन के लिए भी बेस्ट है। और मैंने इयर रिंग्स लिए हैं, 4 इयर रिंग्स है ये मेरी, जो सबसे फेवरेट है मैं सबसे पहले वो बता दूँ, तो मुझे सबसे अच्छी ये लगती है पल, ये एकदम लो क्वालिटी का आर्टिफिशियल पल है, पर ये पल जैसा लुक देता है इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पल की कोई भी चीज़ बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा ही पसंद है पल, इसलिए मैंने ये ले लिया। और ये इस टाइप की मेरे पास बहुत पहले भी बहुत थी, कि मुझे दिखती है वैसे ही ले लेती हूँ। तो ये 3 है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, 3 पेयर है इसके। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, तो आप देखो कैसी लगती है ये वाली, देखिए तो ये पर्ल की इयररिंग है एक, और ये ऑक्सीडाइज में है। एक मिनट मैं पहले आप लोग को दिखा दूँ फिर निकालती हूँ, ये ऑक्सीडाइज में है। बहुत अच्छी थी, अच्छी और भी अच्छी अच्छी थी, पर मुझे ये कुछ ये ज़्यादा अच्छी लगी, ये ले लिया। एक ये हो गई, ये 2 हो गई, और ये डायमंड वाली, ये भी बहुत अच्छी है, सिंगल डायमंड वाली बहुत प्यारी लग रही है, देखिए। तो ये मैंने ली है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें से आपको कौन सी इयर रिंग्स अच्छी लगी है, ठीक है। और ये भी 3 पेयर का सेट है, स्मॉल, और शायद दोनों सेम वाला ही साइज़ है, ऐसे ही लग रहा है मुझे दिखने में, दोनों सेम है, जो नीचे के 2 है वो दोनों सेम साइज़ है, ऊपर वाला थोड़ा बड़ा है। तो मुझे बताना कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है कमेंट करके। तो ये हो गया इयर रिंग्स जो मैंने लोकल ट्रेन से बाय की थी। उसके अलावा जो मैंने बिग बाज़ार से बाय किया है, वो मैं आपको वो शॉपिंग बताती हूँ जो मैंने बिग बाज़ार से की है। जैसे तो ये सीसी क्रीम है लैक्मे का, 925 का,
ये मुझे मिल गया वहाँ पे काउंटर था लैक्मे का ही। एक्चुअली मुझे लिपस्टिक लेनी थी पर नहीं मिली वहाँ पर जो शेड मुझे चाहिए था, तो मैंने ये ले लिया। ये कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम है, तो बहुत अच्छी लगती है मतलब यूज़ में। तो इसका भी मैं बताऊँगी, जब भी मैं ये लगाऊँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। फिर उसके बाद मैंने स्लीपर्स लिए हसनैन के लिए। इसमें छोटी साइज़ नहीं थी, ये साइज़ 22 to 23 से स्टार्ट थी ये साइज़ में स्लीपर्स। मुझे लग रहा है कि हसनैन को ये बड़ी हो जाएगी, पर मैंने ले ली है कि हसनैन वहाँ पर नहीं था उस वक्त जिस वक्त मैंने ये लिया था। तो फिर देखते हैं क्या होता है, मतलब हसनैन को बड़ी होती है या बराबर होती है वो भी देखते हैं। अभी तो सो गया है हसनैन। अब मैंने हसनैन के लिए टी शर्ट्स लिया है, बाय वन गेट वन में बहुत अच्छे ऑफर थे। ये सिंगल लिया है मैंने, ये 200 का सिंगल टी शर्ट है, पर इसका कलर बहुत अच्छा है। तो और ये है, तो बिग बाज़ार में बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं 149 में, 149 और बाय वन गेट वन में बहुत अच्छे ऑफर है। हर चीज़ पे ऑफर अच्छा आता है बिग बाज़ार में। ये देखिए ये टी शर्ट है हसनैन के लिए, मतलब ये फ्रेंड फैक्ट्री में भी मैंने देखा पर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा वहाँ पर जो भी था। ये एक और टी शर्ट है, ये 149 के दो टी शर्ट्स है। ये जो मैंने पहले आप लोगों को बताया ये 399 का टी शर्ट है ये, और इसके साथ ये वाला टी शर्ट है। तो ऐसा था कि आप लोग सेम प्राइस के दो टी शर्ट लेने पड़ते थे, तो ये 399 में मुझे ये वाला और ये वाला, ये दो टी शर्ट जो है मुझे 399 में मिले हैं। और ये 149 का है, ये वाला और ये वाला 149 में, दो दो 149 में मिले हैं। और इसके मटेरियल इतने अच्छे और एकदम सॉफ्ट है, कंफर्टेबल मटेरियल है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है या कुछ। और ये 149 का, ये भी 149 का, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये दो 149 के मिले हैं मुझे, और मैंने हसनैन के लिया है ब्रश। ये ब्रश और मैंने एक कुर्ती ली है मेरे लिए, देखिए ये पूरी लॉन्ग कुर्ती है 3/4 स्लीव्स के साथ। ये पूरी लॉन्ग कुर्ती है 3/4 स्लीव्स के साथ, तो कैसा लगा आप लोगों को मेरी आज की शॉपिंग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन सी इयरिंग ज़्यादा अच्छी है ये भी ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।